आज के दिन में मैं कितना कमाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं कोशिश करने वाला हूँ मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ। आज मैं पैसा कमाने वाला हूँ, मेरा खुद का बिजनेस से पैसा। क्या मैं लोगों तक अपना प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, लोगों से ऑर्डर ले पाऊंगा और क्या सप्लाई कर पाऊंगा या किसी और तरीके से मेरे इस बिजनेस को ग्रो कैसे करूंगा, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मेरा नाम किशोर है और मैंने एक अपना जीवन का एक नंबर एक डिसीजन लिया है कि मैं अब से अपना जो जॉब था मेरा जो करंट जॉब था मैंने वो छोड़ दिया है और मैंने स्टार्ट किया अपना खुद का नया बिजनेस। तो गाइस, तो आज मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ और प्रोडक्ट सेल करूंगा और पैसा कमाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है, बेचो और कमाओ। और इस खुद के नया बिजनेस से सबसे पहला चीज है मार्केटिंग करना। तो मुझे मार्केटिंग करना होगा, किस तरह से मैं मार्केटिंग करूंगा। और तो आज का मेरा पहला दिन है, धंधा का पहला नियम, सोच हमेशा बड़ी रखो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे बैग के अंदर क्या है। मेरे बैग के अंदर है प्रोडक्ट और ये है एक मेरा प्रोडक्ट को मैं आज मार्केट में बिकने करने जा रहा हूं खाली। और इस ये जो है पेपर प्लेट, बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है ये पेपर प्लेट और इसका आज मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ एरिया में। और किस तरह से मैं मार्केटिंग करूँगा आज मैं आपको अपना फुल वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है अपना काम, मुझे जॉब से नहीं चाहिए। 9 से लेकर 10 बजे तक और 10 से लेकर 12 बजे तक मुझे ये जॉब का टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं खुद का एंटरप्रेन्योर बनूँ और मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो चलिए, टोटल 25 पीस है, 25 पीस है, 25 पीस है, 3 टाइप का। मैं अपना जो बाइक है इसी में मैं अपना सामान को बांधा हुआ यहाँ पे जो होता है वो 25 पीस करके है और उसको हम सेल करने वाले जा रहे हैं। और आज का जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, जितना भी मैंने अपने लाइफ में पढ़ा लिखा MBA किया है वो सब आज अप्लाई करने वाला हूँ मार्केटिंग में। मतलब स्टार्टिंग मार्केटिंग मैंने इनिशियल जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो। तो जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं? ये आपको पेपर प्लेट लगी ना कि दादा पेपर प्लेट लगी पेपर मोलोत में 3 ধরনের পেপার প্লেট আছে আমি আমি নলো এই টিপে না দোকান টু আছে না এই দোকান টু এলো থ্যাংক ইউ দাদা হ্যালো দাদা আপনি পেপার প্লেট রাখেন না পেপার প্লেট তো রাখেন না আমি মানে পেপার প্লেট তো বিকি আছো আমি পেপার প্লেট তো বিকি আছো আপনি লোক না লোক তো বাজার হতা উসকো পকড়না উতনা মুশকিল হতা হ্যায় কিউকি হাম বাজার কা জো ট্রেন্ড হ্যায় জো কালচার হ্যায় উসকো বারে মে হাম নাহি জানতে হ্যায় লেকিন জো বাজার কা ট্রেন্ড হ্যায় ও আপকো বাজার মে জাতে হি আপকো পাতা চলেগা কি ও কিয়া ট্রেন্ড হ্যায় 25 টাকা কিনা বলবো এটা 25 টাকা আর এটা 30 টাকা 25 টাকা রাখলে কয়টা হবে শুনতে কি 30 টাকা বেঠাবো এটা কে দিয়া দেয় এটা 20 টাকা দিয়া দেয় 20 টাকা এফেক্টিভ করবে ও সালমার ও মার তো ডাঙার মেশিন থাকিব না মোর দুটা হে মেশিন না এটা ইলেকি জামিক লাগি না এটা 25 টাকা তো আর 9 পিসি আছে তো 15 টাকা হবো হবো तो फाइनली गाइस सेल हो चुका है। 4 दुकान में गया था, 4 दुकान में से 2 दुकान ने यहाँ पे लिया है। तो गाइस यहाँ पे भी एक दुकान ने अभी मेरे से सामान लिया है। तो अभी जाके बस हो गया, आज का मेरा माल खत्म हो गया जो हाई क्वालिटी वाला है। फाइनली मैंने सेल कर दिया है, 450 का सेल हुआ है अभी। और इससे पहले भी मैंने 2-3 सेल किया है, उसमें भी ये सेल हुआ लगभग जो नॉर्मल क्वालिटी वाला था और जो सबसे खराब क्वालिटी वाला था दोनों सेल हो गया था। बस जो हाई क्वालिटी वाला है जो शादी ब्याह में यूज होता है वो अभी तक सेल नहीं हुआ है, वो मेरे स्टॉक में है। मे बी शायद से वो ओकेजनली सीजन जो होता है शादी वादी उसके लिए उसको टारगेट करना होगा मार्केट को। तो गाइस फाइनली मैंने बहुत सारा सामान आज बिकवा दिया है, लगभग बिक चुका है। बस जो और जो थोड़ा महंगा था जो पार्टी वार्टी के लिए यूज होता है ये वाला सेल नहीं हो पाया क्योंकि इसका ओकेजनली होता है, लेकिन जो बाकी होता है वो डेली यूज कर सकते हैं, डेली यूज होता है तो वो मैं बेच नहीं पाया। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत लोग ने मेरे को बहुत सारा सजेशन दिया कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि हम मैं तो प्लास्टिक का प्लेट बेचा था लेकिन उसके साथ ग्लास होता है, बाटी होता है, वो सब भी मेरे को बनाने के मेरे को बोला गया है। तो इन फ्यूचर मैं वो सब भी बनाऊंगा क्योंकि अभी बस मैं उस प्लेट बनाने का ही मशीन है, बाकी नहीं है। और इसका क्या रेट है क्या रेट नहीं है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मुझे कितना इनकम हुआ क्या क्या नहीं हुआ। इनकम तो बोलो कि प्रॉफिट में रोगाज मुझे एक बंदा मिला, वो मेरे को बोला कि उसका चैनल हैक हो गया, राज 322 राकेश 2292 इस चैनल को हैक हो गया है, मैं खोल सकता हूँ चैनल। ईमेल आईडी दिया कि नहीं दिया? ईमेल आईडी मेरे पता नहीं। तो ईमेल आईडी अगर पता नहीं है तो इसका चैनल अभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम नया चैनल खोलो। और इसका मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और इसका मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर है, मेरा 200 है, इसका 300 है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, मेरे को पैसा मिला। शॉर्ट वीडियो मेरा ज्यादा, मैं उली करता हूँ उली से बहुत। तो मेरा यही है एक, ये जो है मैं वीडियो करता हूँ और प्लस ये जो बिजनेस है ये करता हूँ। इन्होंने मेरे को मशीन का नाम पूछा, मैं बोलता हूँ मशीन का नाम है 25,000। कितना प्रॉफिट है?
7 रुपया, एक प्लेट में 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। तुम अगर एक दिन में 100 प्लेट बेचेगा तो कितना होगा? 7 × 100 700 रुपया, तो महीने का कितना हुआ? 21,000 21,000 मेला लाभ है। बिकी बोल लगे ना, घूरे खर्चा आसे ना, नहीं बाइके तेल आसे ना, नहीं ना बाइके मुझे हमको बाजार डायरेक्ट ईद मुझे जन को दुकान है गलामाल दुकान है डायरेक्ट। तो यही बिजनेस का स्ट्रेटजी मैंने भी किया, जो डायरेक्ट होलसेल को पकड़ना। देखा जाए तो इतना पैसा अभी कलेक्ट हो चुका है, कितना हुआ है 1,500 रुपया अभी कलेक्ट हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट दिन में कितना कमा सकता हूं मैं। तो आज का सेल हो चुका है, आज का हिसाब हो चुका है, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री की तरफ।